लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आज इसके मूल्यांकन, जब कोई भी राजा अपने अवधि 4 साल की अवधि में अपने कार्यों को किस तरह से किया, तो उसके पक्ष और विपक्ष दो तरह की बातें उस दौरान में हुआ करती हैं। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भी यह बात आई कि वह उस समय के निरंकुशता से भरा होने के बावजूद भी विभिन्न आयोग, रेल बोर्ड की स्थापना, शिक्षा में सुधार, पुलिस विभाग, तो एक निश्चित राजा के जो गुण थे उन सारे गुणों का समावेश उस लॉर्ड कर्जन वायसराय में था। यह जरूर कह सकते हैं, निसंदेह हम कह सकते हैं कि यह रिपन के जैसा महान उदारवादी सिद्धांत का वायसराय नहीं था। यह एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मोनार्की थ्रू माइंड एंड हार्ट वाज डेवलप्ड। यह एक प्रकार का राजतंत्रात्मक शासन का प्रबल समर्थक वायसराय था। भारतीयों को वह अधिकार देने के समक्ष नहीं था। ब्रिटिश अधिकारी इसके पक्षधर थे। इसके कड़ाई से भारतीयों पर कैसे अत्याचार हो, जुल्म हो, इन सब पर वह निगरानी रखते थे। सारे जमीनों का मापी कराया गया और उस पर लगान निर्धारित किया गया और भारत का खजाना जो था, जो भारतीय अकाल फ्लैग महामारी के शिकार में थे, तो उस समय वह कलकत्ता स्थित महारानी क्वीन विक्टोरिया का महल के निर्माण में भारत का पैसा को फिजूल खर्ची के रूप में वह करता जा रहा था और उस पर बोलने वाला कोई नहीं था। उस समय उसके मन में उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज उठाना से डरता था, क्योंकि उसके पास शक्ति थी। इस प्रकार उस समय के प्रोफेसर ने, समकालीन प्रोफेसर ने इसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक प्रोफेसर एस गोपाल ने कहा कि कर्जन का मूल्यांकन वही है जो सर्वश्रेष्ठ सिविल सार्जेंट का जो होता है, या मिलिट्री फॉर्म में जो एक कर्नल की भूमिका होती है, तो मैं उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद कर्जन ने प्रतिभावान, परिश्रमी और योग्य वायसराय होने के बावजूद भी उसने संपूर्ण शासनकाल को मशीन में जोड़ दिया था। मशीन के प्रत्येक भाग भारतीय मजदूर किस तरह से अधिक धन इकट्ठा करें इस बात की था और अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके ब्रिटिशर्स को। यहाँ का इनकम विदेशों में जाता था और भारतीय जो थे, टैक्स की मात्रा बढ़ते जा रही थी, इनके मन में रोष था और डर की भावना थी। अगर इसके खिलाफ अगर हम कुछ भी बोले तो वह सही नहीं है, उसे कठिन सजा मिलती थी, इसलिए लोग डरे हुए थे। पाश्चात्य शिक्षा के आने के पहले लोग सामान्य शिक्षा अपना रीजनल लैंग्वेज में करते थे। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार का अभाव देखा गया था। इस तरह से प्राइमरी हायर में जो सिद्धांत थे, बहुत से भारतीय लोग नई अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन गवर्नर होने के नाते, राजा होने के नाते, कलकत्ता में डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल की घटनाएं, इन सब घटनाएं, फ्लैग महामारी के आने के बाद इस तरह की घटनाएं ने कर्जन को महान विभूति कहते हुए भी बहुत खेद भी होता है। और उस समय के ब्रिटिश इतिहासकार पी आई रॉबर्ट्स ने कर्जन के कार्यों के संबंध में लिखा है, लगभग 6 वर्ष तक भारत में
या एक निरंकुश शासक के रूप में भारतीयों पर राज्य किया, और साथ ही हम इस शासनकाल में कई कवियों की आलोचना करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य में दोष और गुण दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां साथ साथ विराजमान होती हैं, विद्यमान होती है। एक हाथ में अगर गुण है तो दूसरा हाथ दोष है, तो दोष और गुणों का मिला हुआ संगम है, और संगनी की संज्ञा उस ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा, और साथ ही साथ उस समय की घटनाएं, सफलताएं, असफलताएं मानव जीवन की में रही, और इस तरह दोनों का मिला जुला प्रभाव के बावजूद भी हम लॉर्ड कर्जन को यह भारत का अग्रणी गवर्नर जनरल कह सकते हैं। इसके साथ ही यह इसने चाइना के साथ दलाईनामा, तिब्बत के साथ दलाईनामा, और अंग्रेजों में घमासान लड़ाई किया, और व्यापार करने की नीति बनाई, और व्यापार करने के बाद उसने दलाईनामा को पकड़ना चाहा, तो दलाईनामा जो है वह अंग्रेजी सेना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसने क्या किया कि वह भाग गया और अपना एक अधिकारी को नियुक्त किया कि अब ब्रिटिशर से हम जो है व्यापार के लिए संधि करें। तो वह संधि का नाम जो था ट्रीटी ऑफ लासा के नाम से विख्यात है, जो 7 सितंबर 1904 ईस्वी को ब्रिटिश अधिकारी और इसके बीच तिब्बत के बीच हुआ। और इस संधि के 5 पॉइंट निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत तथा तिब्बत के व्यापार में वृद्धि करने पर विचार, एवं लासा नामक स्थानों में व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। और रेजिडेंट, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हर जगह रेजिडेंट हो। तिब्बत की क्षतिपूर्ति में 50 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष की भांति देगा। तिब्बतियों की क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा किए जाने पर अंग्रेज सिक्किम और चंबे वैली को बंधक के रूप में अधिकार में रखेंगे। जब तक पैसा तिब्बतियन लोग नहीं देंगे तो चंबा वैली जो है वह ब्रिटिशर्स के अधिकार में होगा। इस प्रकार काफी दिनों के बाद रूसी सरकार ने इस संधि का विरोध कर दिया। भारत के प्रधान जॉन बैड्रिक के अनुभव किया यह संधि अधिक बहुत ही बड़े कठोर नियम के कारण अधिक दिनों तक टिकाऊ नहीं रह सकता, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत की नीति का आलोचनात्मक प्रभाव उस समय के समकालीन भारत और तिब्बत के पर पड़ा। तो समकालीन प्रभावों में अपनाई गई नीति के कारण व्यवहारिक और विस्तृत रूप में इसके आलोचक हुए। पक्ष और विपक्ष में आलोचनात्मक संबंध है, तो बहुत से लोग इसके शासन से खुश थे और बहुत से व्यक्ति इसके शासन से खुश न होते हुए भी इसने तिब्बतियन लोग जो थे इसकी नीति के कारण, वैदेशिक व्यापारिक नीति के कारण असंतोष की भावना का जन्म दिया। इस प्रकार इसके संपूर्ण शासन काल जो रहा वह मिला जुला भारतीय वायसराय के रूप में भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर एस गोपाल ने कहा कि वह एक सेना के जनरल की भांति भारतीयों पर वह राज्य किया। इसकी नीतियां, इसके नियम बहुत कठोर थे, जिसके कारण तिब्बतियन लोग इसका घोर आलोचना किए, तो भूरी भूरी इसकी आलोचना किए। तो लॉर्ड कर्जन चैप्टर्स वाज फिनिश्ड टुडे।